प्लीज आज शॉपिंग पे ले चलो ना, छुट्टी है। तुम्हारा तो हर रोज का काम है, एक दिन की छुट्टी होती है हफ्ते में। मार्केट 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 हर टाइम बस झगड़ा ही करते रहते। आपसे तो बात करने भी तार है। मैं भी नहीं करूंगा बात। क्या हुआ मम्मा? तेरे पापा से पूछ ले, हर टाइम झगड़ते ही रहते हैं। क्या हुआ पापा? जाके अपनी मम्मी से पूछ। क्या हुआ मम्मा? मैंने बोला ना जाके पापा से पूछ। पापा के पास गई थी, पापा ने आपके पास भेज दिया। आप बोल रहे हो कि पापा के पास में जा, आप दोनों बात करके अपना झगड़ा क्यों नहीं सुलझा लेते? अभी बताती हूँ तेरे पापा को। अबे सुलझा। और अभी तो रुको। अरे वाह, अब आएगा मजा। मम्मी पापा आपस में झगड़ेंगे और मैं बैठ के देखूंगी। चाय बना लो तुम्हारे लिए। हाँ, मीठा ना थोड़ा कम डालना। फिर अपने चलते शॉपिंग के लिए ना, एक साड़ी और एक सैंडल, ठीक है? मम्मा, आपको पता है आपने सारे काम दिल से करते हो। अच्छा, क्योंकि दिमाग तो आपके पास में है नहीं। पापा पैसे दे दो, मम्मा ने ना 3 किलो चीनी और ब्रेड लाने को बोला है। ले 50 रुपए, इतने में थोड़ी ना आएगा। हमारे जमाने में तो 10 रुपए में सब्जी, राशन, दूध सब कुछ आ जाता था। पापा आजकल ना जमाना बदल गया है, दुकानों पे ना CCTV लग गए हैं। हो गया लर? हाँ, हो गया थोड़ा सा। चल बता फिर, कुतुब मीनार कहाँ है? मेरे को कैसे पता होगा, आप लेके गए हो कभी? अब जब तक याद नहीं तब तक यहाँ सोफे में खड़े हो जा। ये ले। अभी क्या देख रही है? कुतुब मीनार तो अभी भी नहीं दिख रही। सुनो ना, ये साड़ी दिला दो ना। मैं नहीं दिला रहा। आज पहली बार तो आपसे कुछ मांग रही हूँ। कल ही तो दिलाई थी मैंने। ढंग से ना सुन लिया करो, मैं आज की बात कर रही हूँ। क्या सारा दिन फोन देखती रहती है? क्लास में अच्छे नंबर लेके आए तो दिन रात पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। दिन रात।